हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मिसेस संगीता पाटिल, योर इंग्लिश टीचर, एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसे एंड तक जरूर देखें। आज हम एमपी बोर्ड क्वेश्चन बैंक 2021-22 क्लास 9th सब्जेक्ट इंग्लिश के सेक्शन डी लिटरेचर के ऑब्जेक्टिव्स की प्रैक्टिस करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक बीहाइव। ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बीहाइव टेक्स्ट बुक में से लिए गए हैं। सो लेसन 1, द फन दे हैड। इस लेसन में फ्यूचर एजुकेशन के बारे में बताया गया है, जब बच्चे रोबोट की मदद से घर पर ही पढ़ेंगे। उस जमाने के बच्चों को लगेगा कि पुराने जमाने के बच्चे ज्यादा मजा करते थे जब वो बुक्स की मदद से स्कूल में जाकर पढ़ते थे। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस। व्हाट डिड टॉमी फाइंड। तो टॉमी को क्या मिलता है? एन ओल्ड बुक विद येलो क्रिंकली पेजेस, अ टेली बुक, अ ब्रांड न्यू बुक और अ डायरी। तो टॉमी और मार्गी दो बच्चे रहते हैं और उन्हें एक पुरानी सी बुक मिलती है। सो आंसर विल बी एन ओल्ड बुक विद येलो क्रिंकली पेजेस। देन क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक। टॉमी को वो बुक कहाँ पर मिलती है? तो वो बुक उसे घर पर ही मिलती है। सो योर आंसर विल बी इन हिज हाउस। देन क्वेश्चन नंबर 3, हाउ ओल्ड इज मार्गी। मार्गी कितने साल की है? तो ये एक लड़की का नाम है और लड़की 11 साल की है। सो योर आंसर विल बी 11 इयर्स। देन क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ईयर हैज द स्टोरी बीन सेट अप। तो ये जो कहानी है किस साल में लिखी गई है या किस साल के लिए लिखी गई है? तो मार्गी जो डायरी लिखती है उसमें डेट लिखी है 17 मई 1957। सो योर ईयर विल बी 2157। देन क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वॉज स्ट्रेंज अबाउट द बुक और मार्गी। मार्गी को जो बुक मिलती है उस बुक के बारे में स्ट्रेंज या अजीब क्या रहता है? सो इट्स स्टिल वर्ड्स प्रिंटेड ऑन पेज। तो उन्हें जो बुक मिलती है उसमें वर्ड्स जो है वो प्रिंटेड रहते हैं, वो देख के उन्हें बहुत अजीब लगता है कि उनके जमाने में ऑनलाइन बुक्स थी, इसलिए उन्हें ये बुक देख के बड़ा अजीब लगता है कि इस बुक में वर्ड्स छपे हुए हैं। सो आंसर विल बी इट्स स्टिल वर्ड्स प्रिंटेड ऑन पेज। देन क्वेश्चन नंबर 6, हु वॉज टीचिंग द स्टूडेंट्स इन द मॉडर्न एरा। तो नए जमाने में बच्चों को कौन पढ़ाएगा? सो आंसर विल बी अ मैकेनिकल रोबोट टीचर। तो उस जमाने में बच्चे रोबोट की मदद से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, वेयर वॉज मार्गी स्कूल। मार्गी का स्कूल कहाँ पर था? तो मार्गी का जो स्कूल है उसके घर पर ही था, घर पर ही एक रूम में पढ़ती थी वो। तो आंसर विल बी इन हर ओन हाउस। नेक्स्ट इज पोयम द रोड नॉट टेकन। इस कविता में कवि यह बताना चाहता है कि जीवन में हमेशा दो रास्ते मिलेंगे, एक सरल और दूसरा कठिन, और वह बताना चाहता है कि हमें कठिन वाला रास्ता ही चुनना चाहिए, तभी तो हम भीड़ से अलग हो पाएंगे। Now let's see the questions. What does yellow woods mean? Yellow woods का मतलब क्या होता है? तो ऐसा जंगल जिसमें येलो पत्तियां हैं। सो आंसर विल बी फॉरेस्ट विथ येलो लीव्स। देन क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज पोएट्स लॉन्ग स्टेयर एट द पाथ सिग्निफाई। तो कवि का बहुत देर तक के रास्ते को घूरना क्या दर्शाता है? सो आंसर इज मेकिंग अ चॉइस। तो पोएट उसमें चॉइस करना चाहता है कि दोनों में से कौन सा रास्ता चुना जाए। क्वेश्चन नंबर 10, हु इज द पोएट ऑफ दिस पोयम। इस पोयम का पोएट कौन है? तो आंसर इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। देन क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डज डाइवर्ज मीन। डाइवर्ज का मतलब क्या होता है? तो डाइवर्ज का मतलब होता है अलग अलग होना। सो योर आंसर विल बी सेपरेटेड। देन लेसन 2, द साउंड ऑफ म्यूजिक। इस लेसन में एवलिन ग्लेनी के बारे में बताया गया है, जिसे सुनाई नहीं देता था फिर भी वह म्यूजिक सीखती है। वह ज़ाइलोफोन बजाती थी और बाद में बहुत फेमस हुई। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस। व्हिच अवार्ड वाज गिवन टू एवलिन इन 1991 में एवलिन को कौन सा अवार्ड मिला था? सो आंसर इज सोलोइस्ट ऑफ द ईयर, मतलब एकल कलाकार। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डिड एवलिन वांट टू स्प्रेड थ्रू हर म्यूजिक। एवलिन अपने म्यूजिक से क्या फैलाना चाहती थी? तो आंसर इज डीफ पीपल कैन लर्न म्यूजिक। तो वो लोगों को यह बताना चाहती थी कि बहरे लोग भी म्यूजिक सीख सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट वॉज रॉन फोर्ब्स एडवाइस टू एवलिन। रॉन फोर्ब्स ने एवलिन को क्या एडवाइस दी? आंसर इज टू हियर द म्यूजिक थ्रू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी रेदर देन ईयर्स। तो उसे सलाह देते हैं कि म्यूजिक को कानों से सुनने की बजाय हमें उसे दूसरे बॉडी पार्ट से सुनना चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर 15, विच फॉरेन लैंग्वेजेस डिड एवलिन लर्न। एवलिन कौन कौन सी विदेशी लैंग्वेजेस सीखती है? तो आंसर इज फ्रेंच एंड बेसिक जैपनीज। दो लैंग्वेज सीखती है वो, फ्रेंच और बेसिक जैपनीज। सो आंसर विल बी बोथ ए एंड सी। देन क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द नेम ऑफ द मास्टर परक्यूशनिस्ट हु प्रेज्ड एवलिन। उस मास्टर ताल वादक का नाम क्या था जिसने उसकी प्रशंसा की? तो आंसर इज जेम्स ब्लेड्स। नेक्स्ट लेसन, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्ला खान। इस लेसन में यह बताया गया है कि बिस्मिल्ला खान ने पुंगी का नया रूप शहनाई बजाई और यह बाद में बहुत फेमस हुई। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस। वेयर डिड बिस्मिल्ला प्ले द शहनाई ऑन 50th अगस्त 1947।
15 अगस्त 1947 को बिस्मिल्ला खान ने शहनाई कहां पर बजाई थी? तो ये उन्होंने लाल किले में बजाई थी. सो आंसर विल बी रेड फोर्ट. देन क्वेश्चन नंबर 18, विच नेशनल अवार्ड वॉज कन्फर्ड ऑन उस्ताद बिस्मिल्ला खान? तो उस्ताद बिस्मिल्ला खान को कौन सा नेशनल अवार्ड मिला था? तो उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों मिले थे. सो आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट क्वेश्चन, शहनाई इज अ रिफाइंड वर्शन ऑफ विच इंस्ट्रूमेंट? तो शहनाई जो है किस यंत्र का नया रूप है? तो ये पुंगी का ही नया रूप है. सो योर आंसर विल बी पुंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली? पहले शहनाई कहाँ पर बजाई जाती थी? तो टेम्पल्स, मंदिरों में, वेडिंग सेरेमनीज, शादियों में, और ऑस्पिशियस सेरेमनीज मीन्स कोई अच्छा समारोह है. तो ये तीनों जगहों पर बजाई जाती थी. सो योर आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन, अली बख्स वॉज बिस्मिल्लास? अली बख्स बिस्मिल्ला के कौन थे? तो ये उनके अंकल का नाम था. सो योर आंसर विल बी अंकल. नेक्स्ट इज पोयम विंड. इस कविता में यह बताया गया है कि आंधी जब जोरों से चलती है तो बहुत नुकसान पहुंचाती है, लेकिन अगर हम मजबूत बन जाए अर्थात मुसीबतों का सामना करना सीख ले तो आंधी को भी अपना दोस्त बना सकते हैं. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस. हु ब्रेक्स द शटर्स ऑफ द विंडो? तो खिड़की के जो शटर है वो कौन तोड़ता है? सो आंसर इज विंड. क्वेश्चन नंबर 23, नेम द थिंग्स द विंड हैड डन. तो उन चीजों के नाम बताना है जो आंधी करती है. सो ब्रॉट रेन, बारिश लाती है. टॉर्न द पेजेस, पेजों को फाड़ती है. ब्रोक द शटर्स ऑफ द विंडोज, खिड़कियों के जो शटर है वह तोड़ती है. तो आंधी तीनों काम करती है. सो योर आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट क्वेश्चन, हुम डज विंड गॉड लाइक? आंधी एक भगवान के समान है, और ये भगवान किसको ज्यादा पसंद करते हैं? सो आंसर इज स्ट्रॉन्ग पीपल, मतलब जो मजबूत लोग हैं उन्हें ये ज्यादा पसंद करती है. लेसन द लिटिल गर्ल. इस लेसन में केजिया नाम की एक लड़की की कहानी है जिसे अपने पापा से बहुत डर लगता था, लेकिन बाद में उसे समझ में आ जाता है कि उसके पापा उसका कितना ध्यान रखते हैं. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस. केजिया वॉज बीटन अप विद अ रूलर बाय हर फादर बिकॉज? तो केजिया को स्केल से मारा जाता है उसके पापा के द्वारा, तो क्यों मारा जाता है? सो आंसर इज शी टर्न डाउन द पेपर्स ऑफ हर फादर स्पीच. तो उसके पापा एक स्पीच लिखते हैं और केजिया वो स्पीच के पेपर्स को फाड़ देती है, इसलिए उसके पापा उसे स्केल से मारते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द ग्रैंड मदर गिव टू केजिया व्हेन शी वॉज सॉबिंग? तो सॉबिंग का मतलब होता है रोना. तो केजिया जब रो रही थी तो उसकी ग्रैंड मदर ने उसे क्या दिया? तो उन्होंने उसे एक साफ सुथरा रुमाल या हैंकी दिया. सो आंसर विल बी अ क्लीन हैंकी. देन क्वेश्चन नंबर 27, केजियाज फादर कुड नॉट प्ले बिकॉज? केजिया के जो फादर है वो क्यों नहीं खेलते थे? सो आंसर इज He was too tired after work. क्योंकि वो काम के बाद इतना थक जाते थे कि खेलने लायक नहीं रहते. Then question number 28, Why did Kezia tear the papers? तो Kezia पेपर क्यों फाड़ती है? So answer is to fill the cushion. क्योंकि उसे एक तकिया बनाना रहता है और तकिया में भरने के लिए वो पेपर को फाड़ देती है और उस तकिया में भर देती है. Then question number 29, What did Kezia's grandmother ask her to make? केजिया की जो ग्रैंड मदर रहती है उसे क्या बनाने के लिए कहती है? सो आंसर इज अ गिफ्ट ऑफ पिन कुशन. तो वो उसे एक पिन कुशन बनाने के लिए कहती है जो वो उसके पापा को गिफ्ट देना चाहती थी. नेक्स्ट इज पोयम रेन ऑन द रूफ. इस कविता में कवि अपने बचपन की अच्छी यादों के बारे में बताता है. वो रात के समय अपने बेड पर लेटकर आराम से बारिश की आवाज सुनता था और उसकी मम्मी उसे कहानियां सुनाया करती थी जिससे उसे बहुत आनंद मिलता था. लेट्स सी द क्वेश्चंस. व्हाट इज अ ब्लिस फॉर द पोएट इन द पोयम रेन ऑन द रूफ? तो रेन ऑन द रूफ पोयम में पोएट के लिए परम आनंद क्या होता था? सो आंसर इज लाइंग ऑन द बेड इन अ जॉयफुल मूड. तो जब वो एक अच्छे मूड में बेड के ऊपर लेटा रहता था वही उसके लिए परम आनंद का पल होता. नेक्स्ट क्वेश्चन, What revives the sweet memories in the poet's mind? तो पोएट के दिमाग में पुरानी यादें ताजा कर देता है. सो आंसर इज रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ. तो छत के ऊपर जब बारिश की बूंदे गिरती है तो उसकी आवाज सुनकर उसकी पुरानी यादें ताजा हो जाती. क्वेश्चन नंबर 32, What does starry spheres mean? तो starry spheres का मतलब क्या होता है? सो आंसर इज स्काई फिल्ड विथ स्टार्स.
तारों से भरा हुआ जो आकाश रहता है उसे कहा जाता है स्टेरी स्फीयर। क्वेश्चन नंबर 33, हु आर डार्लिंग ड्रीमर्स इन द पोयम। पोयम में डार्लिंग ड्रीमर्स किसे कहा गया है। डार्लिंग ड्रीमर्स का मतलब होता है प्रिय सपने देखने वाले, तो ऐसे सपने बच्चे ही देखते हैं, सो आंसर विल बी चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट आर शिंगल्स। शिंगल्स का मतलब क्या होता है, सो आंसर इज टाइल्स ऑन द रूफ। छत के ऊपर जो टाइल्स लगी रहती है उसे शिंगल्स कहा जाता है। लेसन नंबर 4, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। इस लेसन में अल्बर्ट आइंस्टीन के जीवन के बारे में बताया गया है। उन्हें स्कूल का स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए स्कूल के टीचर उन्हें अच्छा नहीं देखते थे, परंतु बाद में वे एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट बने और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उन्हीं की देन है। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस, वेयर वॉज आइंस्टीन बॉर्न। आइंस्टीन का जन्म कहां पर हुआ था, सो आंसर इज उल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट डिड अल्बर्ट्स क्लासमेट्स कॉल हिम। अल्बर्ट के क्लासमेट्स या उसके क्लास के जो बच्चे थे उसे क्या कहते थे, सो आंसर इज ब्रदर बोरिंग। वो उसे ब्रदर बोरिंग कहते थे क्योंकि वो बाकी बच्चों के साथ ज्यादा घुलता मिलता नहीं था, इसलिए वो उसे बहुत बोरिंग समझते थे। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट डिड आइंस्टीन लव टू प्ले विथ। आइंस्टीन किस चीज के साथ खेलना ज्यादा पसंद करते थे, सो आंसर इज मैकेनिकल टॉयज। मशीनी खिलौनों से खेलना उसे बहुत पसंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड आइंस्टीन बिगिन टू लर्न प्लेइंग द वायलिन। तो आइंस्टीन ने वायलिन बजाना कब सीखा, कितनी एज में सीखा, सो आंसर इज एट द एज ऑफ 6। 6 साल की उम्र में उन्होंने वायलिन बजाना सीख लिया। क्वेश्चन नंबर 39, वेयर डिड आइंस्टीन विश टू कंटिन्यू हिज स्टडी। आइंस्टीन अपनी स्टडी कहां पर कंटिन्यू करना चाहते थे, सो आंसर इज स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट लेसन 6, माई चाइल्डहुड। इस लेसन में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन के बारे में बताया गया है, जिन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसके क्वेश्चंस देखते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन माई चाइल्डहुड। तो माई चाइल्डहुड लेसन जो है इसका ऑथर या राइटर कौन है, सो आंसर इज एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड कलाम बिकम इंडियाज 11th प्रेसिडेंट। तो डॉक्टर कलाम इंडिया के 11th प्रेसिडेंट कब बने, किस ईयर में बने, सो आंसर इज 2002। देन क्वेश्चन नंबर 42, वेयर वॉज कलाम बॉर्न। तो डॉक्टर कलाम का जन्म कहां पर हुआ था, सो आंसर इज रामेश्वरम, और ये मैड्रास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड कलाम्स फादर टीच हिम। तो डॉक्टर कलाम के फादर ने उन्हें क्या सिखाया, सो आंसर इज ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन, मतलब ईमानदारी और आत्म अनुशासन। नंबर 44, हु गेव इमोशनल एंड मटेरियल सिक्योरिटी टू कलाम। तो डॉक्टर कलाम को इमोशनल और मटेरियल सिक्योरिटी, मतलब लव और केयर जो है वो किसने दिया, सो आंसर इज हिज पेरेंट्स, ये उन्हें उनके पेरेंट्स से मिला। नंबर 45, हु वॉज कलाम्स क्लोज फ्रेंड। डॉक्टर कलाम का सबसे करीबी दोस्त कौन सा था, सो आंसर इज रामानादा शास्त्री। नेक्स्ट इज पोयम नो मैन आर फॉरेन। इस कविता में यह बताया गया है कि कोई भी मनुष्य विदेशी नहीं है, यह पृथ्वी एक परिवार के समान है और सभी मनुष्य बराबर हैं। तो समानता की भावना इसमें बताई गई है। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन, हाउ डू वी पोल्यूट द अर्थ अकॉर्डिंग टू द पोएट। तो पोएट के हिसाब से हम पृथ्वी को पोल्यूट या प्रदूषित कैसे कर रहे हैं, सो आंसर इज बाय हेटिंग एंड किलिंग अदर्स, मतलब लोगों से घृणा करके और उन्हें मार के हम पृथ्वी को पॉल्यूट कर रहे हैं। नंबर 47, व्हाट आर द थिंग्स इन नेचर दैट अ मैन नीड्स टू लिव विथ। तो प्रकृति में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो मनुष्य को जीवित रहने के लिए चाहिए, तो सन एयर वाटर एंड प्लांट्स, ये सभी चीजें चाहिए, सो योर आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज। देन क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट कॉजेस वार। वार या युद्ध किसकी वजह से होता है, सो आंसर इज हेट्रेड। हेट्रेड या घृणा की जो भावना रहती है इसकी वजह से युद्ध होते हैं। हाउ इज मैन्स विजन क्लाउडेड। मनुष्य की जो दृष्टि है वो धूमिल या उदास किस वजह से होती है, सो आंसर इज बाय हेट एंड नैरो थिंकिंग। तो घृणा की भावना और संकुचित विचार की वजह से मनुष्य की जो दृष्टि है वो धूमिल हो जाती है या मनुष्य जो है वो उदास हो जाता है। नेक्स्ट पोयम 7, द डक एंड द कंगारू। इस कविता में यह बताया गया है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए क्योंकि हमें भी कभी ना कभी किसी की मदद की जरूरत पड़ेगी। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस, हु मेक्स द साउंड क्वैक। क्वैक साउंड किसका रहता है, सो आंसर इज डक। डक या बतख का साउंड रहता है क्वैक क्वैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डक्स विश। पोयम में डक की विश क्या थी, आंसर इज टू हॉप लाइक अ कंगारू। तो डक चाहती थी कि वो कंगारू के जैसे छलांग लगाए। क्वेश्चन, व्हाई डज द डक प्रेज कंगारू। डक कंगारू की तारीफ क्यों करती है,
या उसकी प्रशंसा क्यों करती है? सो आंसर इज फॉर इट्स एबिलिटी टू हॉप एंड मूव. तो कंगारू छलांग लगाता है और चलता है, तो इसी गुण की वजह से वह उसकी तारीफ करती. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू द वर्ड्स गुड ग्रेशियस शो इन द पोयम. ग्रेशियस का अर्थ क्या होता है? सो आंसर इज सरप्राइज, आश्चर्य. देन क्वेश्चन नंबर 54, Why was the duck feeling bored in the pond? डक को तालाब में बोर क्यों लगता था? So answer is because of still life. क्योंकि वहां का जो जीवन है वो बिल्कुल रसीन था और वो छोटी सी जगह में ही हमेशा रहती थी, इसलिए उसे वहां पर बहुत बोर लगता था. लेसन 8, reach for the top. इस लेसन में दो पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट है reach for the top. इसमें संतोष यादव के बारे में बताया गया है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला. इसी में सेकेंड पार्ट है मारिया शारापोवा. इसमें मारिया शारापोवा के बारे में बताया गया है जो मात्र 18 वर्ष की आयु में टेनिस के शीर्ष स्थान पर पहुंच जाती है. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस. तो इस लेसन में दो पार्ट है. विच इंसिडेंट शोड दैट संतोष वॉज कंसर्न अबाउट हर टीम मेट्स. तो किस घटना से पता चलता है कि संतोष अपने टीम के मेंबर्स के लिए बहुत कंसर्न थी या उनकी बहुत फिक्र करती थी? सो आंसर इज गिविंग आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन टू देम. तो वह उन्हें आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन या कृत्रिम श्वसन देती है. क्वेश्चन नंबर 56, व्हाई वाज संतोष सेंट टू अ लोकल स्कूल. संतोष को एक लोकल स्कूल में क्यों भेजा गया? सो आंसर इज दे वर पुअर. क्योंकि वो लोग बहुत गरीब थे तो अच्छे स्कूल में वो नहीं पढ़ा सकते. देन क्वेश्चन नंबर 57, व्हाई डिड संतोष लीव होम फॉर दिल्ली. तो संतोष अपना घर छोड़ के दिल्ली क्यों जाती है? सो आंसर इज टू गेट प्रॉपर एजुकेशन एंड अवॉइड मैरिज. तो अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए और शादी से बचने के लिए वो दिल्ली चली जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वॉज संतोष अट्रैक्टेड टू माउंटेन क्लाइंबिंग. तो संतोष माउंटेन क्लाइंबिंग या पहाड़ चढ़ने के प्रति आकर्षित कैसे होती है? सो आंसर इज वॉचिंग सम पीपल गोइंग अप द एरावली हिल्स फ्रॉम हर हॉस्टल रूम. तो जब वो देखती है कि उसके हॉस्टल से कुछ लोग एरावली हिल्स पर चढ़ रहे हैं तो उन्हें देख के उसके मन में भी इच्छा हो जाती है कि वह भी पहाड़ पर चढ़े. देन क्वेश्चन नंबर 59, व्हाट हैपेंड व्हेन संतोष स्केल्ड अप द माउंट एवरेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम. तो संतोष जब माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ती है तो क्या होता है? सो आंसर इज शी बिकेम द यंगेस्ट वुमेन टू अचीव द फीट. तो वो उतनी ऊंचाई तक पहुंचने वाली पहली यंगेस्ट मतलब सबसे छोटी महिला थी. देन क्वेश्चन नंबर 60, ड्यूरिंग हर ट्रेनिंग पीरियड अदर पीपल्स वुड कम इन एट 11 PM एंड ऑर्डर मारिया टू. तो ट्रेनिंग के दौरान जो बाकी बच्चे थे वो 11 बजे आते थे और मारिया को क्या ऑर्डर देते थे? सो आंसर इज टू क्लीन द रूम. तो वो मारिया को रूम साफ करने के लिए कहते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, शारापोवा लव्ड रीडिंग नॉवेल्स ऑफ. शारापोवा को कौन से नॉवेल्स पढ़ना अच्छा लगता था? सो आंसर इज आर्थर कॉनन डॉयले. क्वेश्चन नंबर 62, व्हाट्स शारापोवास मंत्रा फॉर सक्सेस. तो शारापोवा का सक्सेस का क्या मंत्र था? सो बीइंग कॉम्पिटिटिव, हमें कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, प्रतिस्पर्धात्मक होना चाहिए, वर्किंग हार्ड, हार्डवर्क करना चाहिए, रिस्पेक्टिंग हर जॉब, जॉब की रिस्पेक्ट करना चाहिए. तो ये सभी चीजें हैं. सो आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज. मारिया शारापोवा बिलोंग्स टू. तो मारिया शारापोवा किस कंट्री से बिलोंग करती थी? तो आंसर इज रशिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ संतोष यादव विलेज. संतोष यादव के विलेज या गांव का नाम क्या था? सो आंसर इज जोनियावास. डिप्रेसिंग ट्रीटमेंट इन द US मेड मारिया. US में मारिया के साथ जो डिप्रेसिंग ट्रीटमेंट या निराशाजनक व्यवहार होता है उसका उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? सो आंसर इज टफ. उसकी वजह से वो और भी ज्यादा मजबूत हो जाती है. देन पोयम 8, ऑन किलिंग अ ट्री. इस कविता में यह बताया गया है कि ट्रीज या पेड़ हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण है फिर भी हम वनों का विनाश करते जा रहे हैं. अब क्वेश्चंस देखते हैं. व्हाट डज द ट्री सिंबलाइज इन दिस पोयम. तो इस पोयम में ट्री किसका प्रतीक है? सो आंसर इज प्रॉस्पेरिटी या समृद्धि. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हेल्प्स द ट्री टू ग्रो. ट्रीज को बढ़ने में कौन मदद करता है? सो आंसर इज अर्थ या पृथ्वी. देन क्वेश्चन नंबर 68, व्हाट किल्ड द ट्री. ट्री को किसने मारा? सो
स्कॉर्चिंग एंड चॉपिंग मतलब झुलसाना और काटना, फ्लड्स बाढ़ और इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर लोगों का गैर जिम्मेदार व्यवहार, तो ये तीनों उसके कारण है। सो योर आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज। देन क्वेश्चन नंबर 69, हाउ डू द ट्रीज डाई, ट्रीज जो है वो कैसे मर जाते हैं। सो आंसर इज व्हेन देयर रूट्स आर अपरूटेड, जब उनकी जड़ों को उखाड़ दिया जाता है तो फिर पेड़ बचते नहीं और उनकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट इक्वेट किलिंग ट्रीज विद, तो पोएट के हिसाब से पेड़ों को मारना किसके बराबर है। सो आंसर इज किलिंग ह्यूमन बींग्स, ये ह्यूमन बींग्स को मारने के बराबर है। नेक्स्ट लेसन, द बॉन्ड ऑफ लव, इस लेसन में यह बताया गया है कि मनुष्य और जंगली जानवरों में भी दोस्ती हो सकती है। लेखक का दोस्त एक आलसी भालू रहता है और वह उसकी मदद भी करता है। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस, हुम डिड द ऑथर गेट बाय एन एक्सीडेंट, तो एक्सीडेंट या बाय चांस ऑथर किससे मिलता है। सो आंसर इज अ स्लॉथ बियर, स्लॉथ बियर मतलब एक आलसी भालू से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द ऑथर फाइंड द स्लॉथ बियर, तो वो जो आलसी भालू है ऑथर को कहां पर मिलता है। सो आंसर इज इन द शुगर केन फील्ड नियर मैसोर, तो मैसोर में एक शुगर केन या गन्ने का खेत रहता है, वहां पर उसे वो भालू मिलता है। हुम डिड द ऑथर प्रेजेंट द बियर एज अ गिफ्ट टू, तो ऑथर उस बियर को गिफ्ट के रूप में किसे देता है। तो आंसर इज हिज वाइफ, तो वो उस भालू को अपनी वाइफ को गिफ्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वॉज द नेम गिवन टू द बियर, उस भालू को क्या नाम दिया जाता है। सो आंसर इज ब्रूनो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द नैरेटर्स फैमिली डिसाइड टू लीव ब्रूनो इन द जू, तो नैरेटर की जो फैमिली है वो क्यों डिसाइड करती है कि ब्रूनो को जू में छोड़ दिया जाए। सो आंसर इज ही वॉज ग्रोइंग टू बिग टू बी एट होम, क्योंकि भालू जो है वो बहुत बड़ा होते जा रहा था और अब उसे घर में रख पाना संभव नहीं था। देन पोएम 9, द स्नेक ट्राइंग, कविता में यह बताया गया है कि अधिकांश सर्पों को लोग मृत्यु के डरावने प्रतीक के रूप में सोचते हैं, किंतु इस कविता में सर्प स्वयं एक शिकार। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द स्नेक ट्राइंग, तो द स्नेक ट्राइंग पोएम का पोएट या कवि कौन है। सो आंसर इज WWE रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु चेज द स्नेक, चेज का मतलब होता है पीछा करना, तो स्नेक का पीछा कौन कर रहा है। सो आंसर इज अ मैन, तो इसमें उल्टा हो रहा है, एक आदमी जो है वो स्नेक का पीछा कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द स्नेक लाई अंटिल ऑब्जर्व, तो जब तक दिखाई नहीं देता तब तक के वो स्नेक कहां पर रहता है, तो वो रेत के ऊपर रहता है। सो आंसर विल बी ऑन द सैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द स्नेक गो एंड डिसअपियर, सांप कहां जाता है और गायब हो जाता है। सो आंसर इज इन द रिपल्स ऑफ वाटर अमॉन्ग ग्रीन रीड्स, तो पानी की लहरों में वो जाके गायब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ दिस पोयम, इस पोयम की थीम या इसकी विषय वस्तु क्या है। तो आंसर इज स्टॉप क्रुएल्टी टुवर्ड्स एनिमल्स, मतलब जानवरों के प्रति हमारा जो क्रूर व्यवहार है वो हमें रोक देना चाहिए। नेक्स्ट लेसन 10, काठमांडू, इस लेसन में काठमांडू के बारे में बताया गया है जो नेपाल में है। अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं, व्हाई डज द ऑथर फाइंड हिमसेल्फ अनेबल टू टीयर अवे फ्रॉम द स्क्वायर, तो ऑथर या लेखक मैदान से दूर क्यों नहीं जा पा रहा था। सो आंसर इज द फ्लूट म्यूजिक वॉज वेरी स्वीट, क्योंकि बांसुरी की जो धुन उसे सुनाई दे रही थी वो बहुत ही मधुर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लूट्स ऑन द पोल ऑफ फ्रूट सेलर आर कंपेयर टू, तो बांसुरी विक्रेता के डंडे पर टंगी बांसुरियों की तुलना किससे की गई है। सो आंसर इज क्विल्स ऑफ अ पोर्कुपाइन, तो शाही जानवर के जो कांटे रहते हैं उन कांटों से बांसुरियों की तुलना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एटमॉस्फेयर इज देयर अराउंड द बौद्धनाथ स्तूप, तो बौद्धनाथ स्तूप के आसपास किस तरह का एटमॉस्फेयर या वातावरण है। सो आंसर इज अ सेंस ऑफ स्टिलनेस, मतलब वहां पर बहुत शांति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फेमस हिंदू टेम्पल इज सिचुएटेड इन काठमांडू, तो काठमांडू में कौन सा फेमस हिंदू टेम्पल है। सो आंसर इज पशुपतिनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, काठमांडू इज द कैपिटल सिटी ऑफ, काठमांडू किसका कैपिटल है। सो आंसर इज नेपाल। नेक्स्ट पोयम 10, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, मतलब गहन निद्रा ने मेरी आत्मा पर मुहर लगा दी। यह कविता कवि के अपने किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु के बारे में है। जब कवि उसकी मृत्यु के बारे में सोचता है तो वह कैसा महसूस करता है, क्या सोचता है, इसके बारे में इस कविता में बताया गया है। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस, हु इज द पोएट ऑफ द पोयम अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, तो इस कविता के कवि कौन है। तो आंसर इज विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज
लूसी मूव विथ? इस कविता में लूसी एक इमेजिनरी चाइल्ड या बच्चे का नाम है जिसकी डेथ हो जाती है और डेथ के बाद उसकी आत्मा जो है वो इधर उधर भटकते रहती है। तो लूसी जो है कहाँ कहाँ से मूव करती है, तो उसकी आत्मा कहाँ कहाँ से मूव करेगी, तो वो सभी जगह जाती है, रॉक्स में जाती है, स्टोन्स में, ट्रीज में। सो आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सील्ड द पोएट्स स्पिरिट? ने कवि की आत्मा पर मोहर लगा दी। सो आंसर इज अ स्लम्बर। अ स्लम्बर मतलब गहन निद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वॉज लूसी डूइंग आफ्टर हर डेथ? डेथ के बाद लूसी क्या कर रही थी? सो आंसर इज मूविंग हेयर एंड देयर इन द अर्थ कोर्स ऑफ रोटेशन। तो वो अर्थ में इधर उधर भटक रही थी। एंड लास्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द पोएट फील आफ्टर हिज बिलवेड्स डेथ? तो अपने प्रिय की मृत्यु के बाद पोएट को कैसा फील होता है, तो उसे बहुत दुख होता है। सो आंसर विल बी ग्रीफ स्ट्रिकन। सो आई होप कि ये सभी ऑब्जेक्टिव्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आप इन्हें रटने की बजाय थोड़ा समझ कर याद करें तो पेपर में आपका एक भी ऑब्जेक्टिव रॉन्ग नहीं होगा। So we will meet in the next video with a new topic. Till then, revise all these objectives. Thank you and best of luck for your exam.